के बाद नव निर्वाचित सभी 18 पार्षद पार्टी पदाधिकारियों के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोमवार को कुचामन उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर निर्वाचन अधिकारी बाबूलाल जाट के समक्ष शपथ ग्रहण की। उपखंड कार्यालय में रिटर्निंग अधिकारी बाबूलाल जाट ने पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी, पूर्व माटीकला बोर्ड अध्यक्ष के साथ सभी विजय हुए पार्षदों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई। भाजपा के सभी पार्षदों को बस द्वारा शाला से पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी की निगरानी में शाम 5 बजे रविवार को कुचामन लाया गया, जहां से शपथ ग्रहण के बाद वापस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ किसी गुप्त ठिकाने पर बसों द्वारा बाड़ाबंदी के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर भाजपा पार्टी चुनाव प्रभारी पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी, पूर्व माटीकला बोर्ड अध्यक्ष हरीश चंद्र कुमार सहित भाजपा कार्यकर्ताओं के काफिले के बीच कड़ी सुरक्षा में बाड़ा बंदी के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें, कुचामन नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 7 फरवरी को है, जिसको लेकर सोमवार को निर्वाचन अधिकारी ने अधिसूचना जारी कर दी। कुचामन में भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपना बोर्ड बनाने को लेकर निर्दलीयों पर टिकी हुई है। पर्दे के पीछे दोनों ही पार्टियों में अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर काफ़ी घमासान चल रहा है। दोनों ही पार्टियों में अध्यक्ष पद हेतु कई दिग्गज पार्षद ताल ठोक रहे हैं, जिसके कारण अभी ये कह पाना भी जल्दबाजी होगा कि किसका बोर्ड बनेगा। कुचामन नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बनाने को लेकर पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से नवा विधायक महेंद्र चौधरी भी लगातार निर्दलीयों के संपर्क साधने की कोशिश में है। सूत्रों के अनुसार बता दें कि निर्दलीयों ने भी चुप्पी साध रखी है और किसी अन्य जगह पर बाड़ाबंदी में बैठे हैं। कुचामन नगर पालिका चुनाव के बाद 20 सीटों पर कांग्रेस, 18 पर भाजपा तथा 7 सीटों पर निर्दलीयों ने अपना कब्जा जमाया था, लेकिन अभी तक पर्दे के अंदर क्या चल रहा है, 7 फरवरी को अध्यक्ष पद चुनाव के बाद ही कुर्सी की ताजपोशी होगी। Envato.